नवाज शरीफ की रिहाई का छठा रोज है। जाति उम्रा में सियासी सरगर्मियां बहाल हैं। नवाज शरीफ से आज भी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। दानियाल राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल बताइएगा, साबिक वजीर आजम से आज कौन कौन सी अहम शख्सियात मुलाकात कर रही हैं? आज बिल्कुल जेल से रिहाई के बाद जो है आज छठा रोज़ है और नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ कैप्टन सफदर अपनी रिहाइश गाह जाति उम्रा फार्म हाउस में मौजूद हैं। पहले योम आशूर के बाइस जो है मुलाकातें जो हैं वो मनसूख की गई थी। अब सियासी सरगर्मियों का आगाज़ नवाज़ शरीफ ने गुज़श्ता रात मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के बाद शुरू कर दी हैं और आज भी यही तवक्को की जा रही है कि आज भी सियासी सरगर्मियाँ होंगी, मुलाकातें भी होंगी और मुख्तलिफ अमूर पर जो है सियासी मशावरत भी की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है तकरीबन 4 बजे के करीब पीर बघाड़ा यहाँ पर पहुँचेंगे और कसूम नवाज़ के इंतकाल पर नवाज शरीफ समेत शरीफ ख़ानदान के दीगर लोगों से इजहार ताज़ियत भी करेंगे और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नेज पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी भी आमद मतवक़े है। शहबाज शरीफ भी हो सकता है कि वो जाति उम्रा पहुँचें और पहुँच कर नवाज शरीफ से मुलाकात करें। और गुज़श्ता रोज़ जो कौमी असम्बली का इजलास था वहाँ पर जो तकरीर थी गैस की कीमतों के साथ साथ जो बजट था। आपका दानियाल राठौर, आप हमें अपडेट